नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल HNK रिएक्शन में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कर देने का, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो, हमारे परिवार के सभ्य बनते हो, तो हमको काम करने में भी मज़ा आता है, आनंद होता है कि चलो भाई कोई भी हमारा वीडियो देखता है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर देने का। वीडियो में कोई गलती हो तो भी आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े इंसान नहीं है, हम एक छोटे से साधारण मनुष्य है। अगर आपको हमारे वर्तणुक में कोई भी अगर गलत व्यवहार लगा हो तो हम आप कमेंट करके बता देना, मैं आपसे क्षमा जरूर मांग लूँगा। तो आज का वीडियो के एक फरमाइश वीडियो है, और ये वीडियो के फरमाइश करने वाला बंदा है @yoga_nmr2995 वाले व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया है कि गुरु वंदना का ये वीडियो आप जरा एक्सप्रेशन दीजिए, तो मैं यथाशक्ति प्रयत्न कर सकता हूँ, अगर कुछ गलत बलत हो जाए तो माफ़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक गुरु वंदना वाला छोटी बच्ची वाला बच्ची का वीडियो है, ये वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। कुलदीप एम्पायर गुरुविन गुलाम नागुव तनक दोरय दण्ड मुकुती गुरुविन गुलाम नागुव तनक दोरय दण्ड मुकुती परि परि शास्त्र वनोदिदरेनु व्यर्थवायितु भक्ति परि परि शास्त्र वनोदिदरेनु व्यर्थवायितु भक्ति गुरुविन गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः भगवद्गीता 4:3-4 कोरळुळु माले धरिसिदरेनु बेरळुळु जपमणि एणिसिदरेनु कोरळुळु माले धरिसिदरेनु बेरळुळु जपमणि एणिसिदरेनु मरळि मरळिता होरळि बूदियुळु मरुळनंतागि तिरुगिदरेनु मरळि मरळिता होरळि बूदियुळु मरुळनंतागि तिरुगिदरेनु गुरुविन गुलामनागुव तनक दोरय दण्ड मुकुति गुरुविन गुलामनागुव तनक दोरय दण्ड मुकुति
गुरुविनादन्न दुर्गविवो उस्ति। दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लेकिन वीडियो की भाषा मुझे बहुत बहुत समझ नहीं आई, क्योंकि मैं गुजराती हूँ और ये साउथ इंडियन का वीडियो है। लेकिन इसमें जो गुरु वंदना की स्तुति की है ये बहुत अच्छी की है, गुरु वंदना, क्योंकि हमारे गुजरात में भी गुरुओं के बिना और पूरे हमारे सनातन धर्म में गुरु बिना ज्ञान अशक्य है, क्योंकि गुरु जरूरी है। गुरु बिना कोई भी ज्ञान हम नहीं ले सकते, और ले सकते हैं तो भी हमको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हमको गुरु के साथ सीखना मिलता है तो हमारे जीवन की आध्यात्मिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बहुत तकलीफें होती है, तो वो तकलीफ निवारण करने वाला सिर्फ एक ही होता है, वो गुरु। क्योंकि गुरु आगे से वो समझ के उसके गुरु के पास से वो सीख करके हमको ज्ञान देता है, इसलिए गुरुओं की परंपरा ज़रूरी है। और आजकल के जो गुरु है, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं जो सत्य वाला गुरु है, जो अंतर से सदाचारी गुरु की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल के गुरु तो एक पैसे के गुरु ही होते हैं, आप उसको पैसे दो तो आपको गुरु बनाएंगे, आप पैसे नहीं देंगे तो आपको गुरु नहीं बनाएंगे। ये संसारी गुरु, भोगी गुरु है, ये गुरु हमको नरक में भेजते हैं। लेकिन इस बच्ची ने जो गुरु की वंदना की है, उस टाइप के गुरु को मैं वंदना करता हूँ, और उस ऐसा गुरु हमको चाहिए। गुरु वंदना एक बहुत महत्वपूर्ण सनातन धर्म में बताया गया है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। इस बच्ची ने जो इतने भावपूर्ण गुरु जी की वंदना की है, सच में ऐसी बच्चियाँ हमारे घर में होनी चाहिए। मेरे भी दो बच्चियाँ हैं, लेकिन मेरे बच्ची में ये अभी संस्कार आपको बता दूँ नहीं है। हाँ, साउथ इंडिया में जो पैदा होते हैं ना बच्चे, वो पूरे संस्कार में पैदा होते हैं, वो उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साउथ के जो बच्चियाँ, साउथ के जो कुटुंब है, वो सनातन धर्म प्रति बहुत आस्था रखते हैं। और मैं तो ऐसे समझता हूँ कि पूरा सनातन साउथ भारत में ही अस्तित्व में है, बाकी भारत देश के पूरे राज्य में सनातन धर्म का इतना महत्व नहीं है। क्योंकि साउथ में जो बहनें हैं, छोटी छोटी दिकरियों होती है, बच्चे होते हैं, सभी भगवान के प्रति वफादार होता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि साउथ की फिल्मों भी सनातन के धर्म में बहुत रची पची होती है। साउथ के फिल्म में भी सनातन धर्म के बारे में अप शब्द नहीं बोला जाता है, अप ऐसा दृश्य भी नहीं होता है जैसे कि हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और आजकल के जो बॉलीवुड की फिल्म होती है, वो तो फैमिली के साथ हम देख भी नहीं सकते, ऐसी फिल्में होती है। लेकिन साउथ की फिल्में बहुत गौरवशाली फिल्म होती है, हमारे सनातन धर्म की गौरव गाथा गाने वाली फिल्म होती है। तो वैसे ही इस बच्ची ने जो गाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गुरु वंदना उसने जो जितने प्रेम भाव से की, उसका जो मैंने गाने का जो प्रभाव देखा, वो बच्ची जो गाती थी तब अपने आँखों के सामने जैसे अपने गुरु को देखती हो, ऐसे वो भगवान अपने गुरु को वंदन करती है। और ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारा जीवन का जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है वो गुरु के माध्यम से ही खुलता है। दोस्तों आज का ये बच्ची वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई भूल चूक होगी, अगर हुई हो तो आपको आप मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।